सो हेलो एवरीवन, ये है मथूत कैपिटल के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। शुरुआत करते हैं शेयर के टोटल इनकम से। ईयरली बेसिस में जो इनकम थी यहाँ पे वो 10,749 लाख थी, जो अब यहाँ पर डिक्रीज होकर 10,682 लाख यहाँ पर हो गई है। यानी कि क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो डिक्रीज़ हुई है। टोटल एक्सपेंसिस जो है ईयरली बेसिस में 8,665 लाख थे, जो अब यहाँ पर डिक्रीज़ होकर 8,263 लाख यहाँ पर हो गए हैं। यानी इनकम के साथ साथ एक्सपेंस भी डिक्रीज़ हुए हैं। आगे हम इस शेयर के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं, तो 1,516 लाख इस शेयर का ईयरली बेसिस में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था, जो अब यहाँ पर इंक्रीज़ होकर 1,803 लाख यहाँ पर हो गया है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, 9.46 रुपये इस शेयर का ईयरली बेसिस में अर्निंग था, जो अब यहाँ पर 10.79 रुपये हो गया है। यानी ओवरऑल यहाँ पर जो शेयर के रिज़ल्ट है एनालाइज करने के बाद हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेकार रहे हैं। और इस मंथ तक का जो शेयर का मैक्सिमम टारगेट है यहाँ पे वो 380 रुपये तो वैसे रहने वाला है, लेकिन अगर आप इस शेयर को होल्ड करना चाहते हैं तो अपने ओन रिस्क में इस शेयर को इस मंथ तक के लिए होल्ड करके सेल कर सकते हैं। नहीं तो आप इस शेयर को चाहे तो लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से अपने ओन रिस्क में होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं।